बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है कोई बात नहीं ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की वो इस चैनल पर मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको नाउ लेट स्टार्ट ये आपने कहा कि वहाँ पे आपकी एनर्जी मैच नहीं करती थी वो इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्री की अगर मैं पूछू तो क्या एक सबसे अच्छी बात थी और क्या एक सबसे बुरी बात जो आपको लगी इंडस्ट्री की सबसे अच्छी तो बहुत सारी बातें हैं देखिए हर चीज़ हर इंसान के लिए खराब नहीं है और हर चीज़ हर इंसान के लिए अच्छी नहीं अच्छी नहीं है, है नहीं। ना तो हाँ वो डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ के साथ में कैसे खुद को ढालते हो तो वो मैं नहीं ढाल पाई यहाँ पर मैं अपने बारे में बोलूँगी कि मैं नहीं ढाल पाई वहाँ की अगर सबसे अच्छी चीज़ें मैं बोलूँ तो एक्सपोजर बहुत अच्छा है पैसा बहुत अच्छा है है ना आप एकदम लाइमलाइट में आ जाते हो भाई तो वो सारी चीज़ें देखिए वहाँ पर बहुत अच्छी हैं आपको नेम फेम सब कुछ बहुत बढ़िया से मिलता है वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं वो आपके लाइफ को बदलना आपकी जीवन को पूरी तरीके से बदलना उस चीज़ में वो बिल्कुल हेल्प करता है और ये चीज़ बहुत अच्छी है ये अच्छी है ठीक है दूसरी चीज़ जो खराब आपने पूछी खराब पता क्या है एक तो नकली नकली रहना नकली नकली होना वो होने की कोशिश करना जो हम नहीं हैं hmm. नकली बातें करना नकली शो ऑफ करना नकली दिखाने की कोशिश करना जो कि टू बी ऑनेस्ट मुझे भी कई बार करना पड़ा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार फिट होने के लिए अगर यही करना पड़ेगा तो यही करके देखते हैं पर अब कितने दिन नकली रह सकोगे राइट राइट तो वो इस वजह से मैच नहीं हुआ और दूसरी एक और चीज़ है कि आ, कैसे बताऊँ मैं आपको वो जो इंडस्ट्री है ना वो अपने अंदर फिट कराने के लिए कुछ रूल्स हैं उनके अपने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मेरे साथ नहीं होती मैं फिर कि ये percent, percent करता है, हो सकता हूं। है कोई उसके साथ करना चाहे, तो कर सकता कर सकता हूँ right. right. तो तो इंडस्ट्री का बट फिर भी मुझे लगता है इवन मैंने देखा आजकल यूट्यूब में भी ये चीज होना स्टार्ट होगी जैसे कि आपने बोला ना मनी फेम ये सारी चीजें अब धीरे धीरे वो मनी फेम और आ रही है बिल्कुल और पावर भी बहुत ज्यादा आ रहा है क्योंकि अभी आप नोटिस करोगे वहाँ पे मतलब मूवी साल में एक बार आएगी दो बार आएगी लेकिन यूट्यूब पे आप डेली जा सकते हो आप वीकली जा सकते हो इसलिए जो व्लॉगर्स है जो डेली डालते हैं वो लोग एक अलग लेवल का ही कनेक्शन बना लेते हैं एक अलग लेवल का ही इन्फ्लुएंस हो जाता है उनके ऑडियंस पे और एक बार आपके पास इन्फ्लुएंस आ गया तो यू हैव पावर देन यू कैन सेल अ लॉट ऑफ थिंग्स और अगर आप जरा भी बिजनेस माइंड थोड़ा भी बिजनेस माइंड होंगे ना यू कैन मेक अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी आई थिंक इसका सबसे बेस्ट एक्जाम्पल तो मिस्टर बीस्ट ही है आई थिंक ही इज ही इज डूइंग रियली गुड सो वैसे ही मुझे लगता है पोटेंशियल यूट्यूब में बहुत ज़्यादा है बट एक चीज़ यूट्यूब की मुझे पर्सनली अच्छी लगती है वो वह ना आप यहाँ पे आप रियल हो सकते हो मतलब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग नहीं है जो गेट कीपर्स बन के खड़े हुए हैं कि तुमको ऐसा होना तुमको ऐसा नहीं आपका आज सुबह में मन कर रहा है आपको जो कॉन्टेंट बनाना बनाओ अच्छा चला तो चला नहीं चला तो कोई बात नहीं आपने हाँ ये चीज़ है कि आपको उसके ऊपर रिस्पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी लेकिन इट्स गुड आपके पास ना एक फ्रीडम होती है मुझे ऐसा लगता है ना लाइफ में मैं भी यूट्यूबर इसलिए ही बना बिकॉज आई वॉन्टेड दैट फ्रीडम मुझे ना जॉब नहीं करनी थी मुझे ये नहीं, पता नहीं वो क्यों था मैं मैं नहीं बोलूँगा हंड्रेड परसेंट सही था इवन जॉब करने से काफ़ी एक्सपीरियंस बहुत कुछ होता है पहले मैं सब बहुत ब्लैक एंड वाइट सोचता था मुझे लगता था कि जॉब एकदम ही खराब चीज़ होती है बट अब नाउ आई रिलाइज नहीं सबके लिए नहीं बहुत से लोगों जॉब बहुत अच्छी चीज है कि आप घर पे आके सुकून से बैठ सकते हो यहाँ पे लेकिन हमारे यहाँ 24 घंटा सोचना पड़ता है टेंशन लेना पड़ता है बट ये की एक फ्रीडम वाली चीज़ मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे लगता है वही चीज आपके साथ भी हुई आपको भी वो एक फ्रीडम पे ज्यादा मिलना स्टार्ट yes, हुई यस yes. और एक और खराब चीज वहाँ की मैं बताना चाहूंगी आपको आप ज्यादातर कॉन्टेंट देखिए कि कैसा बनता है क्राइम बेस्ड हिट है सुपर हिट पर वो सोसाइटी को क्या दे रहा है आप अगर वो कंटेंट बना रहे हो तो आप लोगों के दिमाग के अंदर क्या डाल रहे हो राइट right, exactly. है ना और आप देखिए ज़्यादातर आप कंटेंट देखिए मैं सारा नहीं कह रही हूँ यहाँ पर भी maximum. पर उसकी परसेंटेज बहुत कम है जो अच्छे मैसेज दे रहे हैं अच्छा नॉलेज दे रहे हैं और सोसाइटी में कुछ ऐसा योगदान दे रहे हैं बाकी आप सारा मीडिया ज़्यादातर उठा करके देख लीजिए सीरियल उठा कर देख लीजिए घरेलू झगड़े सास बहू को तो उन्होंने ऐसा बना ही दिया है कि सास ऐसी ही होगी और बहू ऐसी ही होगी है ना जबकि रियलिटी कुछ और है है ना तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी खराब लगती है और यही एक चीज़ है जिसकी वजह से ना मेरी स्क्रिप्ट पे फाइटिंग होती थी एकदम लड़ाई हो जाती थी नहीं क्या है यार क्या है लोग देखेंगे लोग देखेंगे आप हर वक्त मॉल स्टेशन दिखा रहे हो आप हर वक्त क्राइम दिखा रहे हो आप हर वक्त चोरी चकारी दिखा रहे हो आप हर वक्त मर्डर दिखा रहे हो मैंने ज़्यादातर क्राइम शोज़ किए हैं तो कॉमेडी वाला एरिया मुझे थोड़ा अच्छा लगता था क्योंकि मैं कॉमेडी भी कर रही थी मैंने अलापतागंजी एक शो आता था सब टी वी वो किया था बट उनके क्वांटिटी बहुत कम है समझ रहा और उन लोगों को क्या है जब टीआरपी वो पूरा टीआरपी का गेम है है ना हुँ, हुँ। उनको टीआरपी नहीं मिलेगी तो वो बोलते हैं यार चलो तो हम तो क्राइम की तरफ ही जाते हैं जब नेगेटिव चीज़ें ही लोग देखना चाहते हैं तो हम तो भैया टीआरपी पे चलेंगे ना ये चीज़ यूट्यूब में मुझे आ, अच्छी इसलिए लगी क्योंकि यहाँ जो मैं देना चाहती हूँ ना जो मैं सोसाइटी को देना चाहती हूँ या जो मुझे लगता है कि अगर मेरे मुझे दस लोग भी देख रहे हैं ना तो मैं अपनी वो चीज़ दे सकूँ जो मैं देना चाहती हूँ तो ये एक फ्रीडम भी है और ये एक अच्छी बात है अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार जाके देखो डिटेल में चीजों को समझो तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से आप अपनी जिंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे थैंक सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल